अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हो फंक्शन ऑफ स्टेमजा, तो इसको अपने साथ नोट कर लिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है स्टेम का वो क्या है? स्टेम बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड एक्सपोज देम टू एयर एंड लाइट। तो फर्स्ट जो फंक्शन है स्टेम का वो ये है कि स्टेम जो वो लीव्स को बी रखते हैं, यानी कि लीव जो वो स्टेम से अराइज होते हैं, स्टेम के नोड्स हैं। फ्लावर्स बी रखते हैं, यानी कि फ्लावर जो भी स्टेम से अराइज होते हैं। और फ्रूट जो पी रहा फ्लावर से डिवेलप हो जाते हैं। और साथ साथ स्टेम जो वो क्या करता है, स्टेम वो फ्रूट्स फ्लावर एंड लीव्स को एयर एंड लाइट के लिए भी एक्सपोज करते हैं। यानी कि जितना स्टेम अपवर्ड ग्रो करेगा इतने ही लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स लाइट एंड एयर के लिए एक्सपोज होते जाएंगे। तो ये रहा फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टेम। सेकंड जो फंक्शन है वो ये है कि स्टेम कंडक्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड द प्रिपेयर फूड मटीरियल फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ एक प्लांट है, इसकी क्या है रूट है और ये लीव्स हैं। तो प्लांट जो इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होते हैं जिसके लिए वाटर एंड मिनरल साल्ट की जरूरत होती है। तो रूट जो है वो क्या करते हैं, वो साइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जर्व करते हैं प्लांट के लिए। और फिर ये वाटर एंड मिनरल्स रूट से ट्रांसफर होती है टू द लीव्स थ्रू स्टेम्स स्पेशली जाइलम एंड फ्लोएम। और साथ साथ फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो लीव्स में फूड प्रिपेयर होती है वो भी ट्रांसफर होती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टेम स्पेशली फ्लोएम। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टेम जो वो क्या करती है, वो रूट से वाटर एंड मिनरल को ट्रांसफर करती है लीव्स में, और लीव्स से जो मैन्युफैक्चर फूड होती है वो ट्रांसफर करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये रहा सेकेंड फंक्शन ऑफ स्टेम। थर्ड जो फंक्शन है वो ये है कि सम स्टेम स्टोर फूड। बस ऐसे स्टेम भी होते हैं जिसमें फूड जो वो स्टोर होती है, और इसकी जो एग्जांपल है वो है राइजोम कोरम एंड ट्यूबरम। फोर्थ जो फंक्शन है वो ये है कि सम स्टेम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उसको सफिशियंट वाटर नहीं मिलती, तो फिर वो ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो ट्रू लीव्स होते हैं वो चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं, या स्केली लीव्स में या स्पाइन में, और फिर उसकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है एंड फोटोसिंथेटिक होती है। और इसकी जो एग्जांपल है वो है फिलोक्लेट्स एंड क्लाडुल्स। ये जो स्टेम है ये फोटोसिंथेटिक है। फिफ्थ जो फंक्शन है वो ये है कि इन सम केसेस स्टेम आर यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग का मतलब है चढ़ना। तो जो क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं उसकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, वो इरेक्ट नहीं होती, उसमें इरेक्ट होने की एबिलिटी नहीं होती। तो फिर ये क्या करते हैं, ये क्लाइंबिंग प्लांट ये दूसरे प्लांट्स में चढ़ जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू। और इसमें जो एक ऑर्गन है वो है टेंडर्स, ये स्पेशलाइज क्लाइंबिंग ऑर्गन्स हैं। अब ये जो टेंडर्स होते हैं ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स भी हो सकते हैं और मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ स्टेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने स्टेम टेंडर्स इसलिए लिखा है क्योंकि हम फंक्शन ऑफ स्टेम्स की बात करते हैं। तो ये रहा फिफ्थ फंक्शन ऑफ स्टेम। तो सिक्स जो फंक्शन है वो ये है कि इन सम केसेस स्टेम प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। अगेन मैं वही बात करना चाहूँगा, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए अपने ब्रांचेस को मॉडिफाइड कर लेते हैं स्पाइन में। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है
स्टेम स्पाइंजा। स्पाइंस भी दो तरह के होते हैं, यानी कि बास जो होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं लीव्स के, और बास जो होते हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं ब्रांच के। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टेम स्पाइंजा लिखा है। तो ये जो स्पाइन होते हैं इसके टू फंक्शन होते हैं, एक तो ये प्रिवेंट करती है ट्रांसपायरेशन को, और दूसरी फंक्शन इसकी ये होती है कि ये प्लांट को प्रोटेक्ट करती है ग्रेजिंग एनिमल से, हर्बीवोर्स से, यानी कि वो एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं। लास्ट या सेवन जो फंक्शन है स्टेम का, वो है कि सम स्टेम्स आर यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एग्जांपल राइजोम, कोरम एंड बल्ब। यहाँ पर ये नोट कर ले, जो जिंजर होते हैं यानी कि अदरक, ये अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम राइजोम कहते हैं, और जो कोलोकेशिया होती है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम कहते हैं कॉम, और जो ओनियन होते हैं ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम कहते हैं बल्ब। तो ये क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि स्टेम जो है ये हमेशा नोड्स एंड इंटरनोड्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो ये भी नोड्स एंड इंटरनोड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसको जब हम साइल में रख देते हैं तो फिर इससे एडवांटेजियस रूट जो है वो भी अराइज हो जाते हैं, और साथ साथ इसके जो नोड्स होते हैं उससे फिर न्यू शॉट जो है वो भी डिवेलप हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुछ स्टेम जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए भी यूज होते हैं, और इसके एग्जांपल मैंने दी है। तो ये थे फंक्शन ऑफ स्टेम्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।